छोल झपटे यही फटेंगे सब बम पटाके गुस्से को पीके और ईगो को खाके मिर्ची पे मीठे का तड़का लगाके। कांट वेट क्योंकि ये है बिग बॉस सीजन 8 और हमारे साथ है बिग बॉस के भी बिग बॉस यानी कि सलमान खान। बहुत बहुत स्वागत है सलमान लवी। सलमान, इस बार कुछ नया नज़र आ रहा है, आप पायलट के अवतार में नज़र आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या है कुछ बताएंगे? या मुझे खुद को नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, दे मेड मी वेयर अ पायलट्स यूनिफॉर्म एंड सो आई एम वेयरिंग इट नाउ। और मुझे खुद को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ एयर ड्रॉप करेंगे, कहाँ लैंड करवाएंगे, कौन से डेस्टिनेशन के ऊपर, क्या सफ़र कैसी होगी, जर्नी कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा, सेफ होगा, अनसेफ होगा, कंटेस्टेंट्स कौन होंगे, कुछ नहीं पता मुझे। और जैसे कि आपको दर्शकों को पता चलता जाएगा, वैसे ही मुझे एट द सेम टाइम पता चलता जाएगा। जबड़े और झोल जबड़े यही फटेंगे सब बम पटाके गुस्से को पीके और ईगो को खाके मिर्ची पे मीठे का तड़का लगाके धक धक दौड़ेगा दिल सुबह शाम रात में नींद न दिन में आराम खोपड़ी की बेसमेंट में दिलों के स्टेटमेंट में ना प्रॉफिट है ना है पोस्टर में लिखा नजर आ रहा है विमान कहाँ उतारूंगा नहीं बताऊंगा। तो कुछ मतलब है कि इस पर बाहर जाने वाले हैं, ऐसा कुछ सुना है कि इस पर बाहर शूट हो रहा है या बाहर जाना? पता नहीं कि कहाँ शूट होगा, और पता भी होता तो मैं आपको नहीं बता पाता क्योंकि वो लॉन्च में ही पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। और मुझे होप कि कहीं चले जाए इस बार। तो मतलब आप बिग बॉस होस्ट करें, लेकिन इसके पहले जब काफ़ी अटकलें लगाई जाती थी आप होस्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर मतलब माइंड चेंज हुआ, तो कुछ इसकी बारे की कैसे चेंज हुआ या क्या है? माइंड इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मुझे शो अच्छा लगता है। माइंड इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो छोटी मोटी जो ग्लिचेस थी वो सब ठीक हो गई हैं। मुझे यहाँ से सीखने को बहुत मिलता है और मेरे पास ये एक लंबा एसोसिएशन था कलर्स के साथ और जो एंडमॉल टीम के साथ, तो उसे तोड़ना मुझे अच्छा भी नहीं लगा। और फिर जो 13 कंटेस्टेंट्स अंदर आएंगे उनके साथ मुझे वो एक इंटरेक्शन यू नो करने में बड़ा मज़ा आता है। स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होता है, कुछ स्क्रिप्टेड है नहीं, तो एक मज़ा आता है, एक जर्नी होती है। फिर जब मैं उनको देखता हूँ, जब वो घर में है तो होते हैं, घर से बाहर आते हैं, तो वो जो मोमेंट है जो जब वीटी देखते हैं वो अपनी, वो मुझे उनका वहाँ पर एक्सप्रेशन देखना और उनको घर के अंदर उस वक्त देखना, वो मुझे अच्छा लगता है। तो एक मेरा एसोसिएशन रहा, एक अच्छा है, तो मुझे उसको कंटिन्यू करना है। पिछली बार कई बार आपको गुस्सा भी आया था, ऐसा नज़र आया था, तो कौन सी चीज़ है जिससे सलमान को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? इतना गुस्सा नहीं आता मुझे, इट जस्ट दैट अगर कोई मुझसे बात करे तो अगर वो सवाल जवाब एक्सप्लेनेशंस के अंदर, जैसे आपने मुझसे कुछ कहा, पहले मैंने आपसे कुछ कहा, फिर आपने मुझसे कुछ कहा, उसके अंदर ऐसा लगता है कि कोई आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन हो रहा है। वो आर्ग्यूमेंटेटिव होता नहीं, वो जस्ट गिविंग यू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनसे ज़्यादा कोई बेहतर जान नहीं सकता। और जैसे जो मुझे दिखाई दे रहा है घर के बाहर, जो दर्शकों में दिखाई दे रहा है घर के बाहर, वो ऑब्वियसली उनको नहीं दिखाई दे रहा, तो दैट इज़ माई जॉब टू से कि ऐसा। तो जाने से पहले आप दर्शकों और फैन से इस बार क्या नया देखने को मिलने वाला, क्या इस बार 13 नए कंटेस्टेंट्स देखने को मिलेंगे इस बार, तो देखिएगा ज़रूर।